जिस पत्थर को छेनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो वो कभी मूरत नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। मां बाप की डांट, छेनी, हथौड़ी हल जैसे जरूर है, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। एक बात बताओ मियां, तुम मर्द होकर बुजुर्गों की तरह पेड़ पे लटक के खुदकुशी करने का क्या मतलब है? अरे जिंदगी तो खुदा की नेमत है, जो नहीं समझा उसकी जिंदगी पे लानत है। अरे मुझे देखो, ये कैसी हालत है मेरी, न पेट में रोटी है न जेब में ढेला है, कपड़ों को देखो हर चार इंच पे थेगला लगा हुआ है, फिर भी जी रहा हूँ। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। क्यों? अगर मेरा ऐसा फटा हाल होता तो मैं तो पैदा होते ही फांसी लगा लेता। तुम्हारा हाल तो इस वक्त मुझसे हजार गुना बेहतर है, फिर तुम क्यों खुदकुशी कर रहे हो? ये तुम नहीं समझोगे। अरे हम सब समझते हैं मियां, आधी से ज्यादा दुनिया गरीबी और भूख के लपेटे में लिपटी हुई है। कोई रो के उसे बता देता है और कोई हंस के छुपा देता है, मगर फिर भी खुदकुशी उसका हल नहीं है मेरे दोस्त। तुम्हारी सारी जिंदगी गुजर गई, तुम अब तक रिश्वत और बेईमानी के दलदल से बाहर नहीं आए, और रिश्वत भी देने आए किसको? इस गंगाराम को, जिसको जवानी में कभी पैसे की तमन्ना नहीं थी, उस बुढ़ापे में क्या करेगा? जिसका सारी जिंदगी एक ही उसूल रहा है कि इंसान के पास सिर्फ इतना पैसा हो कि वो दो वक्त की रोटी इज्जत के साथ कमा कर खा सके। जहाँ पैसा रोटी की हद से बढ़ गया, वहीं इंसान बेईमानी के दलदल में गड़ गया। पर ये गंगाराम मौत के दलदल में गड़ जाएगा, मगर बेईमानी के दलदल में कभी नहीं गड़ेगा। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखोगे, ये दुनिया बिल्कुल आपको वैसी ही दिखेगी। अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है, सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।